और अपने भाई से बात करते करते मैं निकल गया था लिफ्ट में, कैमरा इधर ही छूट गया था। ओ भाई साहब, जो दिल की धड़कनें तेज हुई है ना, क्या ही बोलूं। What is up? What is up? लड़का के बाटा भी चलिए फटा के। Another day. Another vlog. कितने बार? अच्छा bike की हालत देख के भाई इसको wash की ज़रूरत है और ये हर रोज़ होने वाला है इसके साथ में ऐसा। तो अभी हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं प्रिया? अभी हम जा रहे हैं डल लेक। भाग 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 भाग। अभी हम ऑटो लेंगे यहाँ से और डल लेक जाएंगे और फिर एक तो कोई लोकल मार्केट अच्छा होता है पश्मीना एंड ऑल। पश्मीना अजीत सिंह का सॉन्ग था ना, यहाँ से ऑटो मिलेगा। तो श्रीनगर में पहली ऑटो रिक्शा हमने लतीफ सर की ली है और प्रिया को और मुझे, हम दोनों को ये वाला ऑटो अच्छा लगा। वो मस्त डेकोरेट किया, रूम की तरह लग रहा है, हॉस्पिटल में है जैसा लग रहा है। बेबीज वार्ड है ये वाला, इधर भी है, इधर मस्त प्रोटेक्शन भी है, बाहर ना गिर जाए। आई गेस लतीफ सर को बच्चे पसंद है इसलिए उन्होंने सारे फोटो वोटो लगाए इधर। तो अभी हम आ गए हैं डल लेक पे, फाइनली मेरा ड्रीम पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। लतीफ़ सर ने ही उनके फ्रेंड के थ्रू मुझे एक शिकारा दिलवाई है, है ना? आपको थोड़ा लग रहा होगा कि भाई इसमें क्या ड्रीम जैसी बात, बट पता नहीं शिकारा में बैठना, इसको देखना, ये मूवीज़ में वगैरह कभी देखा था मैंने, और ये इस तरीके से आराम से बैठना। मोहम्मद यूसुफ जी ने मुझे बोला कि पीछे आराम से बैठ के इंजॉय करो, ये 5-10 मिनट का 5-10 मिनट का काम नहीं है ये। तो मस्त चिल मार रहे हैं हम, यहाँ पे शूज वूज निकाल लिए हैं एंड ये रहा हमारा द लेक फाइनली। लवकर एक नंबर। हमारे जो गाइड है और जो बोट चला रहे हैं मोहम्मद यूसुफ जी, हमको सब कुछ बता रहे हैं कि ये कैसा है, क्या है, कौन सा लीली लेक है, कौन सा लोटस लेक ना, लोटस लेक हाँ। तो वो बता रहे हैं और उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पे रहना इज़ लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि हम अभी फील कर पा रहे हैं जो शांति है ना, सच में बहुत अलग लग रहा है। साइलेंट है एकदम, कोई टेंशन नहीं। ये पानी इतना साफ था कि पुराने जमाने के लोग यही पानी यूज करते थे। बहुत बढ़िया हुई अच्छा। आपस की बात, बाप रे, यहाँ पे सब कुछ कश्मीर में हुआ। वैसे भी पहले तो सब कुछ कश्मीर में होता था ना, कश्मीर में जो शौकीन था ना कश्मीर, 100 में से 90% शौकीन था फिल्म देखने। हाँ वो तो है, यहाँ वो लगभग नहीं नहीं वो तो है, बहुत खूबसूरत होती है यहाँ की हर एक चीज। सब लड़कियों के लिए निकल गया साला, हम हमारे लिए तो कभी कोई बेचता ही नहीं है सिगरेट पाइप। अब सिगरेट पीता ही नहीं हो तो क्या करोगे आप? जेंट्स के लिए आशीर्वाद, जेंट्स के लिए आशीर्वाद है बोलते हैं। आपका नाम? खूब कमाओ। आपका नाम? मेरा नाम राजू। राजू भैया बोल रहे हैं, बाबू भैया, राजू भैया नहीं है ये, हमारे डल लेक वाले ज्वेलरी वाले राजू भैया है। इनका बोलना है कि हमको सिर्फ आशीर्वाद मिलता है कि खूब कमाओ और फिर ये लोग आके खर्चा करके जाए। बीवी होती है उसी लिए खर्चा करने के लिए। ये मस्त है प्रिया, देख यार अच्छा। तो ये जितने भी हाउसेस दिख रहे हैं ये सारे टूरिस्ट के लिए है, मतलब आप यहाँ पे बुकिंग करके रह सकते हो शिकारा में ना। सारी की सारा सिस्टम यहाँ पे बोट के थ्रू होता है, लाइक आपको कुछ भी खरीदना है, लेना है, लाना है, तो बोट के थ्रू जाना पड़ेगा, रोड का कोई एक्सेस नहीं रहेगा। तो जैसे कि हमारे राजू भैया ज्वेलरी बेच रहे हैं, वैसे ही इधर एंटीक से घर में जो सजाने वाली चीज़ें वो बिक रही है। एक तरफ हमारे फ्रूट चाट बना रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे चिकन बिरयानी एंड क्या क्या था, बारबेक्यू, ये सब बिक रहा है यहाँ पे। जो एंटिक चीज़ों की मैंने बात की थी वो ये रही। यहाँ पे ऐसा आपको शिकारा टू शिकारा दोनों तरफ से, इधर ज्वेलरी, इधर ये, आगे व्यू, कैसा करे करे तो करे कैसा। मैंगो के लिए लड़की पागल है। पागल हूँ मैं, कहीं पे भी खा लूँ। कल सांबा में भी खा था। कल सांबा में भी मैंगो खा गया। बोलो
پوش والا میانی دیو جرے پوشن بہارا یور والو پوش والا میانی دیو جرے तो बहुत सारी शॉपिंग और इस लवली वेदर को एंजॉय करने के बाद मैं पहली बार कावा पी रहा हूँ। पहली बार तूने पिया है क्या कावा? नहीं, ट्राई भी नहीं कर रही है, मैं कर रहा हूँ। वाह, हनी वाला है? नहीं नहीं नहीं, पी के देख, पी के देख। लड़की खा रही है सैंडविच, ये तो कहीं पे भी मिल जाता है। ये कावा जैसी चीज डल लेक में ऑसम। बिल कितना हुआ? जितना भी वजन डालेगा उतना ही नीचे नीचे जाएगा, ये वजन हटेगा तो वापस आएगा ऊपर। ये पानी के ऊपर कोतरे की मिट्टी और घास है। अच्छा, इसलिए बोलते हैं इसको फ्लोटिंग गॉड। इस चीज को तो मैं मान गया। एक लड़का, ये हाउस बोट थी, एक लड़का कहीं से दौड़ता हुआ अपने रूम में वापस भागा, मतलब बोट में। क्यों? क्योंकि सुनना आवाज उसने गुड मॉर्निंग गोकुलधाम, इसका मतलब जेठालाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा इधर भी इतना ही पॉपुलर है। वो लड़का एड खत्म होते ही जैसे लगता है ना वैसे जो भागते हुए गया अंदर। भाई साहब मान गए इस सीरियल को, मान गए प्रिया तेरी चॉइस को भी मान गए। यार कितना, मैं भी इतना खुशी हो गई, इतने दिनों के बाद सुना ना, मेरे को ऐसा लगा कि मैं कहां, मैं मेरे घर पे हूँ। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम, एक नंबर। एडोबी टापू के पापा। ओ भाई साहब, डल लेक पे भी मैंने आज जेठालाल को सुन लिया। अब इस सीरियल को मान गया मैं, हैंड्स डाउन हो गया। अभी आप भी देखने लगे हो कि नहीं? श्रीनगर में डल लेक में मैं किस जोन में हूँ और वहाँ पे भी सुन रहा हूँ गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। सही है, बहुत सही। अभी हमारा वापसी का सफर स्टार्ट हो चुका है। अभी 5 मिनट में हम अपनी बोट पे पहुंच जाएंगे, मतलब जो लोकेशन है, एंड वहाँ पे हमारा शिकारा राइड खत्म होगा। इट टुक अस अराउंड 2 आवर्स, है ना प्रिया? 7 बज गए, हमें 7 बजे तक हम शिकारा में घूमे मस्त। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा तो यूसुफ सर से बोलूँगा कि किसी भी शॉप पे ना रुके, मैं सो जाऊँगा। मुझे 2 घंटा बस सोने देना इसमें। शिकारा की आवाज़ जो आती है ना पानी की, बस उसी में सो जाना है मुझे। मतलब एक मेडिटेशन के जैसा लगता है ना, तो मैं ऐसा बस सो जाऊंगा, लेट जाऊंगा, ना कोई शॉपिंग ना कुछ खाने के लिए, तो कोई डिस्टर्ब ना करे, बस घुमाते रहो मुझे। जमीन पे वापस आके कैसा लग रहा है? जमीन पे वापस आके अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ पे बहुत शांति लग रही थी, है ना? शांति, शांति का मतलब तभी आता है जब हम शोर से निकल के जाते हैं। तो अभी हम लाल चौक मार्केट में घूम रहे हैं। प्रिया को कुछ अपने रिश्तेदारों के लिए शॉपिंग करनी है, कुछ गिफ्ट लेके जाना है। प्रॉब्लम यह है कि बाइक पे सब लोड कैसा करेंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए बहुत बजट में और लिमिट में हम सब शॉपिंग कर रहे हैं। क्या होता है, कितनी भी कोशिश कर लो आप, बट जो शॉपोलिक सोते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं। अचानक से फुटवेयर्स की शॉप में आ गए हम। एक शूज़, एक मेरे लिए चप्पल लिया मैंने, जो मुझे यूजुअली राइड पे पहनने के लिए काम में आएगी, एंड प्रिया ने एक अपने लिए चप्पल ली है। तो 3 चीज़ें बिना मतलब की खरीद ली हमने, जो कि अब ले जाने में लगेज दिक्कत देगा। ऑलरेडी अभिमन्यु ने मुझे बोला कि तू बहुत ज़्यादा लगेज कैरी कर रहा है, बट क्या कर सकते हैं, आदत से मजबूर। भाई साहब, इस होटल की एक खासियत मैं बता दूँ, सब कुछ सेंसर पे है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। मतलब लिफ्ट भी अपने रूम की से चलती है। अगर आपका रूम 4th फ्लोर पे है तो ही आप उसको 4th फ्लोर पे लेके जा सकते हो, अगर 3rd पे तो ही 3rd पे, 3rd वाला 4th पे नहीं जाएगा और 4th वाला 3rd पे नहीं जाएगा। और ना एम्बियंस में जितनी भी लाइट्स है, वेट अ मिनट, अभी बंद है क्या? नहीं, अभी शुरू हो गए, अभी आए थे ना अपन लिफ्ट से। जैसे ही बाहर निकलते हो, लिफ्ट के बाहर के सारे लाइट स्टार्ट हो जाते हैं। कमाल है। ये बात की है कि 2 चाबियां दी है ताकि आपको चार्ज पे करने को लगा रहो, तो आपको आपकी इलेक्ट्रिसिटी काम आ सके। वो मैं ऑफिस का काम कर रहा था इसलिए ग्लासेस रह गए। वैसे बाय द वे मैं जा रहा हूँ नीचे अपने स्ट्राइकर को थोड़ा वॉश करने के लिए, क्योंकि रेडिएटर पे ना मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी बैठ गई है, वो क्लीन करवाते हैं, क्योंकि कल से एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है एक्चुअल लेह लद्दाख का। सो लेट्स गो। भाई साहब, जो जान निकल गई थी ना अभी, क्योंकि इस कैमरे को मैंने गोरिल्ला पॉड नहीं लगाया था तो वहाँ पे रख दिया। बाइक को मैंने यहाँ पे लगाया क्योंकि यहीं पे वॉश होगी। और अपने भाई से बात करते करते मैं निकल गया था लिफ्ट में, कैमरा इधर ही छूट गया था। ओ भाई साहब, जो दिल की धड़कनें तेज़ हुई है ना, क्या ही बोलूँ।